जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जेमिनी राशि वालों के लिए। देखेंगे जेमिनी राशि वालों के लिए नेक्स्ट 12 डेज क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। और यस, जिनको हेल्थ करियर और दूसरे टॉपिक्स पर रीडिंग देखनी है वो संडे वीकली रीडिंग राशि के अनुसार इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं इसी चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ। और यस, उसके अलावा ये रीडिंग जर्नल है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए रिजोनेट करे, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अनुसार, हो सकता है कि कोई दोष वगैरह हो तो उसके कारण आउटकम ना मैच करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाता है, यस। और उसके अलावा यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीटा पे ध्यान नहीं देना, और ये मून साइन पर आधारित रीडिंग है। आप चाहे तो इसे राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ किसी भी हिसाब से देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट 12 डेज है क्योंकि टोटल 12 राशिज होती हैं, हो सकता है जब तक आपका नंबर आए तब तक 12 दिन हो चुके होंगे, इसीलिए टोटल 12 दिन की रीडिंग होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों के लिए नेक्स्ट 12 डेज क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में, जो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए गाइड करें नेक्स्ट 12 डेज उनकी लव लाइफ में, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनमें क्या एक्सपेक्टेड है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी नेक्स्ट 12 डेज, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं जेमिनी राशि वाले, उनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होगी। एम्परर, दी मून, दी एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे गाइड करें इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे नेक्स्ट 12 डेज, जेमिनी राशि वालों के पार्टनर के एक्शन, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर के एक्शन इनकी तरफ क्या होंगे। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हाय हाय, ये क्या था, एक सेकेंड ना, मुझे एक मिनट का टाइम दो। ओहो, समझी अभी, ओके। सो मुझे दिखाई दे रहा है आप जिस लव लाइफ से डील कर रहे हैं, जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं, उसका साइन हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली। मुझे कैंसर राशि खुद आपकी ही राशि मिली है, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो और काफ़ी हद तक टॉरस एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए मुझे एक मिनट यार वृषभ एनर्जी, टॉरस एनर्जी मिली, राइट। और उसके अलावा स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन है, लिब्रा है, लियो है और एरीस है, ठीक है। ये साइन हो सकती है आपके पार्टनर की, जो हाईलाइटेड है वही बताई मैंने। और उसके अलावा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रीसेंट पास से आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को स्लो फील कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप में आप एफर्ट डाल रहे हो बहुत ज़्यादा, अपनी तरफ से आपने अपना बेस्ट किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने रिलेशनशिप में, आपने जो भी अच्छा किया है, मतलब जो भी अच्छा हुआ है वो आपकी तरफ से हुआ है, आपने अपना रिलेशनशिप में हमेशा बेस्ट जो है पार्ट प्ले किया है, लेकिन आपके पार्टनर कभी भी आपके रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहते हैं। अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक तरीके की लोनलीनेस, एक हैवी एनर्जी है आपके अंदर, नींद की प्रॉब्लम, या काफ़ी ज़्यादा आपको जो है पैनिक अटैक या एंजाइटी फील होने लगी है दीज डेज। मुझे ऐसा दिख रहा है लोनलीनेस काफ़ी हैवी हो रही है आपके ऊपर, स्पेशली रात के टाइम पे आप ज़्यादा सोच विचार करते हुए और रोते हुए नजर आ रहे हो। आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पार्टनर चीज़ें ठीक नहीं कर रहे, इस बात से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आप इस बात से अपसेट हो कि आपके पार्टनर जो है आपको देख ही नहीं रहे, आपकी तरफ आपको याद नहीं कर रहे, और आप सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात से महसूस कर रहे हो कि वो अचानक इतना बदल कैसे सकते हैं, जो व्यक्ति आपको सर पे बिठाया करते थे वो अचानक से आपकी तरफ ऐसे कैसे हो गए कि वो आपको ध्यान ही नहीं दे रहे, आपको वैल्यू ही नहीं कर रहे। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि यार मेरा रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, अब मुझे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है और मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन पर्सन बनाऊंगी या बनाऊंगा वाली एनर्जी है, जिसमें आप खुद की एनर्जी इसमें शिफ्ट ला रहे हैं। लाइक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सेल्फ वर्थ पहचान रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार इन चीज़ों के पीछे मुझे कुछ नहीं मिलना है। आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम तक आपने अपने पार्टनर का वेट किया उनके बदलने का, उनकी समय के बदलने का, बट अब आप जो है गिव अप कर रहे हो, आपको एक तरह से हार महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ अपनी तरफ पहला स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 12 डेज आप अपनी ज़िंदगी में या तो अपने पार्टनर के एटीट्यूड से बहुत अपसेट होंगे या तो थर्ड पार्टी से बहुत अपसेट होने वाले हैं। थर्ड पार्टी के कारण या तीसरे व्यक्ति के कारण या आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से, उनका एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने की वजह से आप बहुत अपसेट हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है।
कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की अभी शादी या कोई इंगेजमेंट अचानक से फिक्स हो गई है और अचानक से उन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया है और आपको लास्ट मिनट पे बताया, जिससे आप हर्ट हो गए हो काफ़ी ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और इनके मैरिज ही आप दोनों के बीच का प्रॉब्लम क्रिएट या बन चुका है, या हो सकता है आप मैरिड है, क्योंकि मैरिज मुझे ऑब्स्टेकल कार्ड में मिला है, कुछ मैरिज मिला है और काफ़ी हद तक ऑब्स्टेकल कार्ड में मुझे ऐसा मिला है कि आपके पार्टनर की ग्रोथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। जब वो ग्रो करते हैं तो इतने घमंड में और इतनी ईगो में आ जाते हैं कि वो आपकी तरफ देखना भी सही नहीं समझते, लाइक उनका ध्यान ही नहीं रहता है, वो इंटेंशनली नहीं करते, वो अनइंटेंशनली ऐसा कर लेते हैं कि वो आपको वैल्यू ही नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको कदर नहीं देते और आप इस बात से हर्ट हो जाते हो। अभी भी आपके पार्टनर का ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस है या थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि समय आखिर आपका क्यों नहीं बदल रहा है, आपने तो अपना बेस्ट किया है हमेशा, तो आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको बेस्ट मिल क्यों नहीं रहा है, इस बात से आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी प्रॉब्लम ये है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने पार्टनर के सामने हर बार झुकते चले आए हो और अपनी अपनी कोई कदर या अपनी कोई वैल्यू आप कर नहीं रहे हो। आप अपने पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, बट आप अपने पार्टनर को जानकर भी जानबूझ के अनजान बनते हो, क्योंकि आप उनके प्यार को कैसे भी अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो। लेकिन हो सके तो अपनी सेल्फ वर्थ समझो, क्योंकि आप जैसे ही अपनी वर्थ समझोगे आपके जीवन में सारी चीज़ें बेहतर पोजिशन पर आएंगी, सब ठीक होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आ जाएंगे अचानक से शादी करेंगे, ये नहीं, ये देखो ये ख्वाब देखना बेवकूफ़ी है, मैं ये नहीं कहूँगी ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे, लेकिन फिर ये गलत है, फिर से कैसे होगा ना कि आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, फिर आप बोलोगे अरे थोड़े टाइम तक आप अपने आप पे ध्यान दोगे, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलोगे अरे मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, वो तो आया ही नहीं। तो ये उम्मीदें मत रखो अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस ख़त्म करना सीखो, ठीक है? एक्सपेक्टेशन जितने करोगे उतना हर्ट होंगे। दूसरा, जितना अपने अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट रहोगे उतना हर्ट होंगे, तो पार्टनर पे डिपेंड होना बंद करो, अपने आप पे डिपेंड करो, अपने आप पे और यूनिवर्स पे बिलीव रखा करो। यूनिवर्स पे ये नहीं कि भाई वो लेकर आएगा, नहीं, कि भाई यूनिवर्स ही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे सगे हैं, बाकी सारे लोग जो हैं उनके कोई भरोसे नहीं होते, बट इंसानों का कोई ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन ईश्वर जो है वो मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, इस बात का विश्वास रखो, ठीक है? ये ईश्वर मेरे साथ जस्टिस करेगा, शादी कराएगा, ये नहीं सोचो, ठीक है? वो मेरे साथ बैठा है, वही मेरे काम आएगा, वही मुझे देख रहा है, बेस्ट देगा मुझे, ये सोचे, ठीक है? आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में है, बहुत ज़्यादा ईगो में, स्टार्टिंग ऑफ द मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 12 डेज़ के जो शुरुआत होंगे उस वक्त तो उनका ईगो काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ रहा होगा, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस, अपने डिसिप्लिन प्रिंसिपल, मैं वो, ये इनकी तरफ से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, इनका ईगो और इनके अंदर से वो एक स्टबर्न एटीट्यूड, जिसमें बोल रहे हैं मैं तो नहीं बात करूंगा, मैं तो नहीं देखूंगा इसकी तरफ, मैं तो अपने आप में बिज़ी रहूँगा, एक ज़बरदस्ती का एटीट्यूड का एनर्जी मुझे दिख रहा है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। करंट एनर्जी में आपके पार्टनर जो है रीसेंट एनर्जी में मुझे दिखे कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस है, बट अभी तक ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, ये अपने आप में क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या है, इनके आपके साथ रहना है कि आगे बढ़ना है, या इनको आप चाहिए तो उनको आखिर क्या करना चाहिए, ये तरीके का डिसीजन वो नहीं ले पाए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत की कमी या किसी तरीके की उदासी या अकेलेपन को महसूस करते नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें वो आपको खुलकर नहीं बता पा रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे ही ध्यान देना शुरू करेंगे, अपनी लाइफ, उनको क्या मिल रहा है वो बेनिफिट होगा, कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि जैसे मतलब उनकी तरफ से एक एनर्जी है जहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो डिसीजन ले रहे हैं बट उनका ध्यान पूरा थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस और अटेंटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि अटेंटिव होने के चक्कर में ही आप सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत करने की कोशिश और एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं और ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और इसी बात से आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। आपकी एक्शंस की जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्शंस में आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए, हाँ कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए पार्टनर आएंगे ज़रूर, लेकिन झटके से जाएंगे भी, लेकिन कुछ लोगों के लिए आएंगे ही नहीं, ठीक है? मैं किसी को भी झूठी होप नहीं देती, इसलिए मैं सीधी सीधी बात बता रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और अपने आप पे इतना अच्छा फोकस करेंगे, अपने आप की वैल्यू करेंगे, अपने आप को हैप्पी रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ जाएंगे, अचानक से आपकी सेल्फ वर्थ आपके लिए मायने रखेगी और आप अपनी ज़िंदगी से अपने ही पार्टनर को कटआउट करेंगे एकदम से कि भाई निकल लो तुम, मुझे चाहिए भी नहीं, तुम्हारी कोई नीड भी नहीं है, इस तरीके की एनर्जी रहेगी जहाँ पर आप ही अपना समय पूरी तरह से बदलेंगे, आप एक्शन मोड में आ जाएंगे, आप बोलेंगे भाड़ में जाओ, निकलो अब सारे के सारे,
इस तरीके की एनर्जी आएगी आपके अंदर, आपकी एनर्जी में शिफ्ट है, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर जो है आएंगे, बट झटके से चले भी जाएंगे और आप इस बात से अपसेट हो सकते हैं, या आएंगे भी तो थर्ड पार्टी की कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे आपको लगेगा कि शिट यार ये नहीं आता तो मेरा दिन ज़्यादा अच्छा जा रहा था, इसने तो दिन ही ख़राब कर दिया मेरा, वो वाली एक एनर्जी है, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, हो सके तो यार थोड़े टाइम तक अपनी ज़िंदगी में अपने आप की वर्थ समझो, यूनिवर्स आपको चीख चीख के कह रहा है कि तुम अपनी परवाह करो, अपने आप पे ध्यान दो, बट आप जो है चार दिन चांदनी दिखाते हो फिर वापस वैसे के वैसे फिर रोने धोने लगते हो अपने पार्टनर को लेकर। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन इनकी तरफ क्या है, जमिनी राशि वालों के लिए क्या इंटेंशन है इनके पार्टनर के, जमिनी राशि वालों के पार्टनर के इंटेंशन जमिनी राशि वालों के लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्स, देखो आपके पार्टनर आपकी तरफ काइंड ज़रूर है, मैं ये कहूँगी कि येस उनकी एक गिविंग एनर्जी है, वो चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आए, हमेशा आपकी हेल्प करें, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, रिटर्न में वो भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव या चंचल स्वभाव के हैं, एक दाल पर टिकना या एक जगह टिक कर उनको वादा निभाना आता नहीं है, वो वाली एक एनर्जी है जिसके कारण आप हर्ट होते हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बेंड हैं, उनको लगता है कि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया जो उनको रिटर्न देना है, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं हुए हैं, इसलिए काफ़ी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके इंटेंशंस में ऐसा है कि ये आपका किया हुआ सब कुछ देखते हैं, बट इनका अपना एटीट्यूड, इनकी अपनी एनर्जी, इनके अपने ईगो ही इनका माइनस पॉइंट बन जाता है, और ऊपर से जो है ये सिर्फ आपके लिए कैसे ना, सच कहूँ तो आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम यही है, वो सीरियस नहीं और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो। तो ये मत बोलना दीदी वो बहुत सीरियस है ये वो, ठीक है, हो सकता है ये आप अगर मान रहे हो तो, बट आपके पार्टनर में सीरियसनेस मुझे दिख नहीं रही है, वैसा दिख रहा है कि वो दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और थोड़े टाइम तक चंचलता है उनकी, फिर वापस घूम के वापस आपके पास ही आने हैं, ठीक है, थोड़े टाइम तक ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये, ठीक है। सो जमीनी राशि वालों ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आई मस्त वाला लाइक शेयर कब सब्सक्राइब करें, बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को क्लैरिटी देने की हर तरीके से, इस एफर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक बनता है, एंड येस उसके अलावा अगर आपको हीलिंग या एनजाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो आप यूनिवर्स विद इन यू वाला चैनल ट्राई करें, आपको पसंद आएंगे वहाँ के हीलिंग मेथड्स, या आप अफर्मेशन ट्राई करें अगर एक्स को या थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए आप चाहते हैं, तो उसमें अफर्मेशन हिंदी में बनाए हैं मैंने, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या बचा, येस लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैंने बोल दिया, अगर हीलिंग के लिए ब्रेसलेट बनवाना है, आपको लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड रहने लगे हो, आजकल आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव रहने लगी है, तो डेफिनेटली ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं, अमित सर को कांटेक्ट करें, ठीक है, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताएं और उस अनुसार ही आप जो अपना ब्रेसलेट है वो डिज़ाइन करवाएं, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।